दंतेवाड़ा उपचुनाव में अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। यह उपचुनाव खासकर कांग्रेस और भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सीट पर भाजपा के विधायक भीमा मंडावी की हत्या के बाद अब भाजपा 15 सीट से 14 सीट पर आ गई है। इसलिए भाजपा इस सीट को फिर से अपने काबिज करने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं प्रदेश की राजनीतिक धुरी अब कांग्रेस के हाथ में है, इसलिए सरकार में रहते कांग्रेस इस सीट को गंवाना नहीं चाहती, बल्कि 68 सीट को 69 में बदलने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है। चुनावी रणभेरी में बीजेपी अपने शीर्ष नेतृत्व को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। यही वजह है कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी ओजस्वी मंडावी के प्रचार प्रसार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेज दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम विशेष रूप से शामिल है। इस मसले पर बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने का कहना है कि हर चुनाव हमारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए पार्टी एक नीति के हिसाब से पूरी तैयारी करती है। उपासने की माने तो कांग्रेस की प्रत्याशी को उनके घर में ही समर्थन नहीं मिल रहा है, तो जनता उन्हें कैसे चुनेगी। भाजपा साफ तौर पर इस चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। देखिए, इस चुनाव में दंतेवाड़ा का चुनाव इस प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विधायक जो उस क्षेत्र में चुनकर आए थे, जनता इस बात को जानती है कि किन संदेहास्पद परिस्थितियों में उनके चुनाव प्रचार के दौरान हत्या की गई, तो स्वाभाविक रूप से उसका बदला लेना ये उस मतदाताओं के फितरत में है। और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही मुकाबला है। कांग्रेस के वो प्रत्याशी जिसको उसके परिवार का ही समर्थन नहीं मिल रहा है, जिसको अपने लड़के का ही समर्थन नहीं मिल रहा है, तो जनता का समर्थन कैसे प्राप्त हो। प्रकार से एक बार पराजित प्रत्याशी को कांग्रेस ने उतारा है, जिसके प्रति जनता ने जनादेश नहीं दिया, जनता ने जिनको नहीं जिताया, फिर से उनको उतारा गया। 8 महीने में जिस प्रकार की स्थितियाँ इस प्रदेश में हुई है, दंतेवाड़ा की जनता है, दंतेवाड़ा के मतदाता भी उससे अछूते नहीं हैं। प्रकार का वातावरण बना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और सब प्रकार के वातावरण दिख रहा। बाकी पार्टियां तो केवल नाम मात्र की हैं, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। और लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार के परिणाम भाजपा के पक्ष में आए हैं, दंतेवाड़ा का चुनाव भी भाजपा के पक्ष में जाएगा। छत्तीसगढ़ में 68 सीट के बल पर कांग्रेस ने प्रदेश में 15 साल बाद सरकार बनाई है। ऐसे में दंतेवाड़ा उपचुनाव कांग्रेस के लिए साख माना जा रहा है। इस सीट से कांग्रेस ने शहीद महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा को बतौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रदेश में अपनी सरकार के 8 महीनों के कार्यकाल को लेकर दंतेवाड़ा के जनता के सामने जा रही है, जिसमें स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को उतारा है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी का कहना है कि कांग्रेस ये चुनाव अपने स्थानीय नेताओं के बल पर ही लड़ेगी। पिछले 8 महीनों में हुए सरकार के काम काफी हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी भूपेश सरकार के काम से घबरा गई है, इसलिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार में उतारने की तैयारी की है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें असमर्थ करार दिया है। मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा और बस्तर के क्षेत्रों में जो बिक्री का विधाता हुआ है, उन बातों को लेकर के आदिवासी समाज में, आदिवासियों के बीच में कांग्रेस पार्टी की एक छवि पहले तो मजबूत थी और अभी मजबूत हुई है। और लगातार जो वहां पर से फीडबैक आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो कर्मा बत्ता टाइगर सहित महेंद्र कर्मा की दर पत्नी उनकी जीत में कहूंगा वो सुनिश्चित है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जीत सबके सामने बेनकाब हो चुका है। आज तो मैं आपसे राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाह रहा हूँ कि उनका चेहरा कौन है, क्या डॉक्टर रमन सिंह उनका चेहरा है, जो अल्पागर कांड में मंसूराम पवार के निशाने में है। आदिवासियों के साथ अन्याय करने वाली भारतीय जनता पार्टी से जीत के दावे करती है समस्त करे गई बात रविंद्र शर्मा की, तो रविंद्र शर्मा लगातार करके कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। गाँव का अलग होता है, समीकरण अलग होता है और चेहरा अलग होता है। हमारा चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा को बताना चाहिए कि रमन सिंह का चेहरा है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या कारण है कि रमन सिंह को इस चुनाव से दूर रखा गया। लिहाजा बीजेपी मानकर चल रही है कि यदि बस्तर की एकमात्र सीट हाथ से निकल गई तो आगे पार्टी की अस्तित्व को खतरा हो सकता है। यही वजह है कि पार्टी प्रचार प्रसार में बड़े से बड़ा चेहरा झोंक देना चाहती है।
वहीं कांग्रेस अपने काम के दम पर चुनाव मैदान में उतरी है। अब देखना होगा कि दोनों ही शहीद परिवारों में से जनता का साथ किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।